हेमू प्रीमियर लीग सीजन 2 यह खेल प्रोग्राम बड़े ही उत्साह से मनाया गया। इसमें एक वुमेन्स क्रिकेट मैच भी हुआ। इवेंट ऑर्गेनाइजर्स हितेश काकू, प्रणव छतबर और भारत गर्ड ने बढ़िया काम किया। गुजराती समाज में खेले जाने वाला यह खेल सेहत बढ़ाने वाला और समाज में एक नया जोश कायम करने वाला प्रोग्राम था। आज का जो प्रोग्राम है हेमूपडिया प्रीमियर लीग, और ये दूसरा साल है उनका। पहला जो साल में आयोजन हुआ था बहुत ही बढ़िया रहा, और वही रिस्पॉन्स के हिसाब से ये दूसरा साल है और हर साल चलता रहेगा। ये यहाँ के हमारे समाज के लोगों का ऐसा मानना है। तो यहाँ पर जो हमारे स्पॉन्सर है उनसे उनका हौसला बढ़ता है, तो हौसला बढ़ाने के लिए जो हमारे स्पॉन्सर है हमारे साथ में है उसके कारण हर साल अभी ये आयोजन होगा। अच्छा, मेरा इतना ही कहना है कि ये जो त्रिपुटी काम कर रही है पूरा यूथ को, ब्रह्म क्षत्रिय समाज का पूरा यूथ को एकजुट करने का काम कर रही है। ईश्वर भाई के निश्रा में ये तीनों एकदम सज धज गए हैं। कैसे क्या काम किससे लेना कैसे करना वो सब मालूम है और एकदम बढ़िया तरीके से हो रहा है। और यही आगे का 10 साल के अंदर ब्रह्म क्षत्रिय समाज की वो नींव रखेगा कि वो कहाँ तक समाज जाएगा और जो नया यूथ उभरेगा उससे कैसे काम करने का वो देखा जाएगा। यार मैं टीम ओनर हूँ यहाँ पर, बीके रॉकेट्स मेरी टीम है यहाँ पर। पिछले साल हम लोग सेमी से जस्ट मिस हो गए थे, इस बार उम्मीद है कि हम लोग कप उठा के जाएंगे। टीम बड़ी तगड़ी है, वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट माय गाइस हियर, प्लेइंग वेरी वेल। सी अवर बेसिकली अवर टीम इज डिवाइन कतरीज एंड आई एम द कैप्टन ऑफ डिवाइन कतरीज और आई एम द एंड द ओनर इज माई फादर सूर्यकांत मर्तक एंड गिरीश मर्तक इज माई अंकल गिरीश मर्तक। सो बेसिकली हम लोग वी हैव कम फॉर द एंटरटेनमेंट, सिर्फ विनिंग इज नॉट अवर गोल। वी आर प्लानिंग के वी गिव अवर बेस्ट एफर्ट्स एंड ऑल द प्लेयर्स गेट द अपॉर्चुनिटी टू बोल एंड ऑल्सो टू बैट। सो बेसिक थिंग इज टू गेट टू हैव अ गुड गैदरिंग एंड टू विन द मैच ऑफकोर्स। क्रिकेट लीग में कोई चैलेंजेस फेस नहीं है। इन दो हितेश भाई और भरत भाई और प्रणव भाई ने बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन किया है। रात रात को सब जागे हैं और सब उन्होंने यहाँ पे बैठ के ऑर्गेनाइज किए, तो नो चैलेंजेस फेस बाय मी इन दिस क्रिकेट लीग। आज के प्रोग्राम के बारे में, इट्स ऑर्गेनाइज रियली वेल एंड वी आई एम द टीम ओनर सो आई एम रियली हैप्पी विद द ऑर्गेनाइजेशन। Everything is going pretty smooth and everything. Just that we are playing and it's an enjoyment game basically. So we are enjoying. क्रिकेट लीग के रोल में बता रहे तो मैं वाइस कैप्टन हूँ टीम का। अभी जो कैप्टन बोलेंगे वैसा ही करना है हमें। हम सब एक टीम में हैं और ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा हुआ है। हितेश भाई ने किया है, भरत भाई ने किया है, प्रणव भाई ने किया है। ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा है। आज का प्रोग्राम के बारे में, हेमूपडिया प्रीमियम जो क्रिकेट टूर्नामेंट जो शुरू हुआ है ये दूसरा साल है और हमको बहुत अच्छा लग रहा है कि हर एक ज्ञाती जन पूरा कोऑपरेट दे रहा है और सभी टीम को हमारी तरफ से शुभकामनाएं। अने हूँ विजय भाई बोसोमिया, पोते टीम ओनर छू, रॉयल खत्री टीम। अने हर एक टीम ने बधा ने हूँ शुभकामनाएं आपूँ छू कि बधा क्रिकेट सुरक्षित रमे अने सुरक्षित आ प्रसंग ने संपूर्ण प्रयास करे। ये HPBL 2 हम लोग का जो है वो फर्स्ट तो सक्सेस हुआ ही था, सेकंड भी सक्सेस होने जा ही रहा है और होएगा ही। और सभी ओनर्स और सभी प्लेयर्स ने मुझे हम लोग को बहुत सपोर्ट किया है और इतना सक्सेसफुल अभी तक जा रहा है कि बात मत पूछो। क्योंकि हम लोग के जो विजय बोसमिया जी है जो मेरे ओनर, उन्होंने बहुत बड़ा सपोर्ट किया है। कुछ भी टॉपिक है तो लोग सब लोग आ जाते हैं, प्रणव क्या कुछ काम है तो क्या कुछ काम है कुछ प्रॉब्लम है तो हम लोग साथ में खड़े हैं। तो जो सभी ओनर्स और सभी को ओनर्स सब लोग ने मुझे बहुत हेल्प किया और सब तक का सजेशन दिया हुआ है, एडवाइस उन्होंने दिया है, तो ऑलमोस्ट लाइक हम लोग के पार्टनर ही है। तो मतलब हम लोग का अभी तक का बहुत सक्सेसफुल जा रहा है। हमारी बीके रॉकर्स वो जहाँ उसके ओनर है और हमारी टीम भी अच्छी है, कोशिश हमारी रही कि कब हमको मिले ऐसे हमारी इच्छा रहे। और ये काम ये लोग जो हितेश काकू खाटबार
और ये गराज भरत गराज बहुत अच्छी तरह काम कर रहे हैं और ऐसा करे आगे भी अच्छा से अच्छा काम करता रहे और नातीजनों को इकट्ठा करते रहे। बहुत अच्छा था, पहली बार खेला और टीम भी बहुत अच्छी थी, ऑन द स्पॉट बन गई, बहुत मजा आया। आपने क्या की, बॉलिंग की बैटिंग की, क्या किया आपने? बैटिंग की मैंने और अच्छे खासा रन भी बनाए और बहुत मजा आया और बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया है और बहुत ही बढ़िया था, बहुत अच्छा रहा। मेरा भी अनुभव, पहली बार खेला लेकिन पूरा टीम को थैंक यू सो मच, फील्डिंग और बैटिंग में भी पूरी टीम ने बहुत मेहनत किया है, थैंक यू सो मच। तो आप दोनों में से किसकी टीम जीती? रिटर्न सी भी हियर ओनली, नहीं हमारी टीम जीती काजल कोटा की, सुपर वुमन्स। हे सुपर वुमन्स, उसका भी रीजन है, उसका भी रीजन है, हमारे पास से डिक्लेयर करवा दिया गया था और इनको हमने आउट किया था तब इनके प्लेयर चेंज हुए थे, अगर हम कंटिन्यू खेलते तो जीत जाते हम लोग। मैं पहले भी फर्स्ट लीग में भी हाजिर था, सेकंड में भी हाजिर था, सबसे पहले तो मैं ऑर्गेनाइजर अपना को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन लोग ने जो मेहनत की है वो आज खरे सही में रंग ला रही है और आगे इस तरह से यूथ को जोड़े, ऐसी हमारी तमन्ना है, हमारे खत्री यूथ को एक बनाए। और हितेश भाई ने आगे जाके एक बार बहुत बने बड़े हमारे एमपी एमएलए सब बन जाए। अनुभव बहुत अच्छा है, ऑर्गेनाइजेशन है वो भी बहुत अच्छा है, वही ऑर्गेनाइजेशन ने जो मेरे ख्याल से एक दो महीने से मेहनत करते होंगे तभी ये अंजाम मिला है। और बहुत अच्छा जो यूट्यूब पे भी डायरेक्ट सब लोग जो नया नहीं पहुंच पाए वो यूट्यूब पे घर पे मैच देख रहे हैं उनको भी मजा आ रहा है, क्योंकि मैं भी थोड़ी देर दोपहर को यहाँ पे नहीं था, मैंने भी घर पे ही मैच देखा है। और ऐसा ही ऑर्गेनाइजेशन से हमारा जो नाती का एकता है वो भी बढ़ रहा है, सब एक दूसरे के नज़दीक आ रहे हैं। अच्छा, क्या बेहतरीन लगा और जो हितेश भाई प्रणव भाई और भरत भाई ने जो मेहनत किया है, यत्न प्रयत्न और प्रयास जबरदस्त, और उनका ये जो नतीजा है 10-10 टीम और इतनी लाजवाब नतीजनों की हाजिरी, यही बता रहा है कि भाई समाज के लिए आपने कितना बहुत अच्छा किया। इससे क्या होता है, नाती में संगठन आता है, नाती जैसा हमारी नाती है, हमारा एक नाती ये क्रिकेट काम करती है, तो बचपन से अगर ये जो केलवनी मिलता है ना तो आगे जाके संपर्क समाज में काम करेंगे, दूसरी संस्थाओं में काम करेंगे। और एक बात है कि हितेश भाई का भी जो उत्साह है, उमंग है, धगस है, नमस्कार, जबरदस्त है। उनके ऑफिस में वो जब भी फोन किया, कौन ये बैठा है, ये बैठा है, और पॉलिटिशियन है तो उनमें एक ऑर्गेनाइजर की शक्ति है। भरत भाई है उसमें विनय और विनम्रता इतनी है और वो सबको अच्छी तरह जानते हैं, ये उनकी बुआ लगती है, ये बुआ का उसका बने भी लगता है, तो सारी नाती के सब लोग को अच्छी तरह जानते हैं। और प्रवण तो ये इनका और इनका दोनों का वो सपोर्ट है और थोड़ा हमारा प्रवण जांबाज भी है और वजह क्या है कि इनकी तीन पीढ़ी मैं उसको जानता हूँ, उनके दादा से काम किया, उनके पिताजी से काम किया और प्रवण भाई से काम कर रहा हूँ। और सुबह रिटायर की पत्नी बच्चों के लेके आई तो मैंने बच्चों को गोद में उठाया, बोलता इनके साथ भी काम करने वाला हूँ। क्या बात है,